गुड इवनिंग। और ये देखिए कौन आया है, कौन आ गया मेरे घर, मेरे घर कौन आ गया, मेरे घर आ गई बूढ़ी नानी, एक नानी, एक नानी, एक बूढ़ी नानी, एक नन्नू, एक नन्नू की बूढ़ी नानी है ना, एक नन्नू की नानी है ना, नानी बूढ़ी नानी कहते तो कैसा लगता आपको? सुन नहीं पा रहे हम कह रहे बूढ़ी नानी बोलते हैं हाँ। तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, हाँ, उम्र के हिसाब से अच्छा है ना, हाँ। बूढ़ा होना अच्छी बात होती है ना, हाँ, बिल्कुल है ना, बहुत बुढ़ापे के हिसाब से ही हमें रहना अच्छा लगता है। सब लोग कहते बाल काले कर ले, हम नहीं करते, भगवान ने जो हमें दिए है वो सही रखे। और मैं नानी को आज मैं सोच रही हूँ नानी का थोड़ा सा मेकअप कर दूँ, बट नानी अभी तक मान नहीं रही है। कोशिश करूंगी मैं वीडियो के एंड तक कि मैं नानी को मना लूँ और कल से मना रही हूँ नानी थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। नानी ने आज दिन तक कभी लिपस्टिक तक नहीं लगाई है, मेकअप तो दूर की बात है, मेकअप वेकअप नहीं करती हैं, बिल्कुल ऐसी सिंपल साधारण तरीके से रहती हैं। और देखते हैं क्या होता है, मैं उनको मना पाती हूँ कि नहीं, देखते हैं इस वीडियो में। मम्मी तुम्हारी तो बिंदी भी पता नहीं कहाँ चली गई, बिंदी नहीं रहने देगी, अभी अभी कहाँ गई बिंदी, नानी की बिंदी क्यों नहीं, की जो है अब पैसे ले पाऊंगी, नानी की बिंदी दो जल्दी, दो हो गई, नानी की बिंदी दो जल्दी, लेके ऐसे ही कहती खो गई, बिंदी दो जल्दी, कहाँ गई नानी की बिंदी दो जल्दी। आज मेरा लिपशेड कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम डिफरेंट सा लग रहा है। हाँ आपको नहीं लगाया? कह रही मुझे नहीं लगाया, इनको सबसे पहले लगा दो। सर्दी होने लगी है, लगा लो आरो वाला कल आएगा पक्का, अरे बुला लो, मेरे पता है आरो खराब हो गया, अभी तक सही नहीं हुआ है, संडे को बोला था आने के लिए, अब देखते हैं, बैठ जा आराम से बैठ, चाय पियोगे, चाय बना दे पी लो, वो क्या डाइटिंग शुरू कर रहे हो आज से, फिर बताओ कल बोल रहे क्यों खाना क्यों नहीं खाओगे, आज तुम मंडे से जाओगे तो फिर खा लेना, थोड़ा सा खा लेना, ऐसे मत करो। क्या कह रहे हो, देखो यहाँ पे कितना साफ आता है ना, अंधेरे में भी ना, पहले एकदम अंधेरा काला काला आता था, लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है, कब बटाए क्यों लगी रहने दे, लास्ट ईयर पता है लास्ट ईयर हम लोगों ने कब लगाए, कब तक लगी रहने दी थी, हम तो भूल भी गए, न्यू ईयर करके निकाली थी, न्यू ईयर करके लाइट्स निकाली थी, आज पता है मॉर्निंग में पानी नहीं भरा था मैंने, फिर से कपड़े सारे धुलने को रह गए, आज पूरे दिन कुछ नहीं किया, कपड़े वपड़े नहीं धुले, कुछ नहीं किया, आज मस्ती काटी। क्या हुआ, क्या देख रहे थे उससे, कितनी छोटी उम्र अब हम लोग दुबले होंगे, मोटू से पतलू हो जाएंगे हम लोग, क्यों और क्या, इतने होने चाहिए ना, तब सही रहता, इतनी लंबी राक्षस लगते एकदम। तो मेरे लैपटॉप में आ गई कुछ प्रॉब्लम और पति देव कर रहे हैं ठीक, मेरा लैपटॉप फोकस नहीं हो रहे, हो गए मोटू राम पिल पिले। आगे क्या था, किसको लेके गिर पड़े, नानी को लेके, दादी को लेके, चाची को लेके, क्या था, दही को लेके, नहीं दही को लेके नहीं था, मोटू राम पिल पिले नानी को लेके गिर पड़े, ऐसे कुछ था। मेरे हस्बैंड जी बहुत टैलेंटेड हैं। खाना खाओगे बता, ये सिर्फ मुझे फोकस कर रहा है, ये बोल रहा है कैमरा कि पहले अपने पति देव से बोलो दुबले हो जाए।
खाना वाना सब बन गया है, नानी जी खा भी चुकी हूँ क्योंकि नानी को ना थोड़ी सी पहले भूख लगाती है, जल्दी खाने की आदत है उनकी, तो वो खा चुकी हैं। और मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही थी बैठ करके कि मेरे लैपटॉप में हो गई है कुछ प्रॉब्लम, तो वो सही कर रहे हैं। दो लैपटॉप उधर रखे हैं, मुझे कोई दूसरा दे दो ना लैपटॉप यार। मैं ना मेरे पास इतने सारे लैपटॉप रहते हैं, मेरे पास लैपटॉप कहती हूँ ना कि लैपटॉप का भंडार है, मुझे जो पसंद आता है मैं उनसे बोलती हूँ मुझे वो वाला लैपटॉप दे दो, तो ये दे देते हैं। और ऐसे होता है ना, अलग अलग चेंज कर करके करो तो बोरियत भी नहीं होती है। सो मैं इस मामले में थोड़ा सा लकी हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे लैपटॉप मुझे जो मर्जी आती है मैं मिल जाए ना, मेरा जितने दिन जो लैपटॉप मन करता है मैं चलाती हूँ, उसके बाद मैं कहती हूँ मैं बोर हो गई मुझे दूसरा ला के दो। एक साल मैंने चलाया था मैकबुक, एक साल चलाने के बाद मैं उससे भी बोर हो गई, फिर मैंने चलाया लेनोवो। मतलब ये तो लेनोवो के हैं, अलग अलग मॉडल आते रहते हैं ना। मैंने नानी को बहुत मुश्किलों से तैयार किया है, अब मैं करने जा रही हूँ मेकअप और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कभी नानी को मेकअप में नहीं देखा, मैं हमेशा से इनसे बोलती थी लगा लो लिपस्टिक, बिल्कुल मना कर देती थी नहीं लगाना है, बट आज मैंने बहुत मिन्नतें करी हैं नानी से, तो नानी रेडी हो गई है जैसे तैसे, अभी भी उनका मूड चेंज हो जाए उससे पहले मैं मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ। बहुत सिंपल कह रही मुझे डार्क डार्क मत लगाना कुछ भी, मैंने कहा ठीक है डार्क डार्क नहीं लगाएंगे। तो अब मैं बहुत सिंपल सा, मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी बट फिर भी इनका लुक थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने नानी के चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, अब मैं नानी के फेस पर लगाऊंगी सीसी क्रीम। मैं कोई फाउंडेशन या बहुत हैवी मेकअप अप्लाई नहीं कर रही हूँ इस वजह से, ये NYVA का है शेड नंबर 4। मेरे पास 2 और 3 शेड भी है बट मैं शेड नंबर 4 लगा रही हूँ नानी की स्किन टोन के हिसाब से। सीसी क्रीम मैंने अच्छे से लगा दी है, अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ कॉम्पैक्ट। ये आई एम एम्स्टरडैम का कॉम्पैक्ट है और SPF 50 है साथ में, जो सन से भी काफ़ी हद तक स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो फिलहाल मैं नानी के फेस पे ये अप्लाई करने जा रही हूँ। लगाने जा रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, NYVA की ही आईब्रो पेंसिल। मेरे पास ये 2 शेड हैं, ये भी NYVA के ही हैं हाइलाइटर के, पर मैं इसमें से सोच रही हूँ मैं ये वाला शेड लगाऊंगी, गोल्डन वाला मैं नहीं लगाऊंगी, तो नानी की स्किन के हिसाब से ये वाला शेड अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल हल्का सा अप्लाई करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं। SQ की लिक्विड लिपस्टिक है जो मैं नानी को अप्लाई करूंगी, उसके बाद उनका जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा।
बहुत अच्छा लग रहा है। नानी बहुत मना किया, मैंने नानी को बहुत जबरदस्ती करी है, तब नानी ने मेकअप कराया है। कुछ नहीं किया है, बिल्कुल हल्का सा किया है, कुछ भी नहीं किया है मेरे। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए ना, इन सारों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सारे ही बहुत अच्छे हैं। मैंने भी सेम लिप शेड लगा के रखा हुआ है जो नानी ने लगा के रखा हुआ है, और आज मैंने पहली बार नानी को इस रूप में देखा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इस चीज को शेयर करूं कि मेरी नानी कितनी सुंदर लग रही है। कैसी लग रही नानी? नानी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, तुम्हारा भी मेकअप कर दूंगी मैं। पता है नानी पहले बहुत सुंदर लगती थी। हाँ? नानी फोटो जो है कभी तुम्हें दिखाएंगे। मैंने दो नए काम किए ना। हाँ? कल पिज्जा खिला दिया और आज थोड़ा सा मेकअप कर दिया। पहले ऐसे नहीं होता था ना, पहले नानी लगाती थी क्या ये सब मेकअप वेकअप लिपस्टिक विपस्टिक अपने जमाने में? नहीं भाई, वो टिक्की आती थी लाल, वो जब त्योहार को आया कौन गुलाब वाला जाते थे तब लगा ली हल्का सा। आज पहली बार लगाई ना लिपस्टिक? हाँ लिपस्टिक पहली बार। मैंने लिपस्टिक पहली बार लगाई है नानी को। नन्नू बोरी नानी कैसी लग रही है? 65 साल हो गई मेरी शादी को। 65 साल? 65। नानी आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 78 की होने जा रही है। कोई तो क्रीम लगाई हो ये वहां पे? अफगानिस्तान उनका कोई साबुन नहीं छू सकता था ना उनकी कोई क्रीम छू सकता, तब हम कभी कभी चुरा के तब आते स्कूल से तब कहते हाँ आज चोरी पकड़ गई। नानी बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर एकदम नई दुल्हन की तरह नानी मेरी लग रही है। हाँ चलो नजर ना लगे तुम्हारी नानी, नजर ना लगे। काजल नहीं लगाया क्योंकि नानी के आंख का एक का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो कुछ नुकसान वगैरह ना कर जाए इस वजह से काजल और आईलाइनर बिल्कुल मैंने अवॉइड किया है, जितना कम से कम में हो सकता था मैंने नानी का लुक क्रिएट किया है। आपको कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। और बूढ़ी नानी हम लोग प्यार से बोलते हैं प्लीज, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और कुछ लोग बहुत ही भद्दे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, ऐसा मत करिए। बूढ़ी नानी प्यार से बोलते हैं, मेरी नानी 2 साल बाद 80 साल की हो जाएंगी, तो ये बहुत गर्व की बात है। बूढ़ा होना बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है और बहुत इज्जत की बात है, इसमें कोई भी बेइज्जती वाली बात नहीं है। मैं जिस दिन बूढ़ी होंगी, भगवान करे मैं 80 साल की पता नहीं होंगी भी कि नहीं होंगी, तो ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम लोग बूढ़े होते पूरी जिंदगी बिता करके ये मुकाम आता है, तो बहुत ही रिस्पेक्ट की बात है बूढ़ा होना। कुछ लोग बोल रहे थे आपको कोई बूढ़ा बोले आप बूढ़ी हो जाओगी तो कैसे लगेगा, आप बहुत बदतमीज हो, आप ये है वो है, तो प्लीज ऐसे मत बोलो, थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। नानी से ज्यादा प्यारा कौन होगा ये बताइए। बूढ़ी नानी बोलो तो आप लोग प्लीज ऐसे बिल्कुल मत सोचो, जो लोग मुझसे अच्छे से बोल रहे हैं वो लोग प्लीज ऐसे बिल्कुल भी मत सोचो। नानी मेरी पर नानी बन गई है और बुढ़ापा कोई शर्म की बात नहीं है, बुढ़ापा बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही इज्जत की बात है, इसमें कोई भी हमें बेइज्जती नहीं लगनी चाहिए। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है मुझसे जरूर शेयर करना। नानी अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है, बिटिया ये नाते है और बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। नातिन का भी बच्चा है, ये नातिन का भी बच्चा है, ये हमारी बिटिया है। मैं हमेशा ये सोचती थी मेरा जो बच्चा हो वो नानी की गोद में जरूर एक बार खेल ले, बट भगवान ने अभी तक वो नानी के पास है। बूढ़ी नानी बड़ी नानी जो भी है, बड़ी नानी नॉर्मल है सभी बोलते हैं, और सबका ना अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे यहाँ पे मैंने मोस्टली देखा है दिल्ली के लोग प्यार से तू तड़ाक करके बात करते हैं आपस में, हम लोगों को कितना खराब लग जाएगा तू वैसा, तो आदत पड़ जाती है। जो लोग हम बोलते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, अब तू बोलने में उनको बेइज्जती लगने लगे, वो लोग अपने भाई बहन से ऐसे बात कर लेते हैं, रिलेटिव से सबसे। फॉर्मेलिटी क्या करना, मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के साथ, डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ, अपनी एक एक चीज शेयर कर रही हूँ, तो मैं सब कुछ ओपन रखती हूँ, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं रहती, कोई भी वो नहीं रहता है कि हाँ सोच समझ के एक मुझे डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दे दी है मैं वैसे बोलूँ कि हाँ बूढ़ा नहीं बोलना है, तुम नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, कुछ हो जाएगा, तो मैं डेली लाइफ शेयर करती हूँ। हर किसी का रहन सहन सब कुछ एकदम अलग अलग होता है ना, तो प्लीज आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें। और खराब कमेंट्स करने वाले प्लीज आप लोग कमियां ढूंढने की बजाय अगर हर किसी में अच्छाई ढूंढोगे तो आपकी खुद की लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो चलिए नानी का मेकअप कैसा लगा मुझसे शेयर करिएगा। और मुझे इस कैमरे की डबल बैटरी लेनी ही पड़ेगी, मानेगा नहीं मेरा खर्चा करवा के रहेगा कैमरा, खर्च हो जाती है बैटरी, एक्चुअली ज्यादा काम रहता है ना व्लॉगिंग का। तो चलिए इस छोटू से नानी के मेकअप वाले वीडियो को, ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और मैंने अपने दिल की बहुत मैं तमन्ना थी कि मैं नानी को लिपस्टिक में देखूं, आज मैंने वो चीज आप लोगों के साथ भी शेयर की है और मैंने खुद भी नानी को पहली बार लिपस्टिक में देखा है। तो चलिए पहले के लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ खाते पीते नहीं, कुछ करते नहीं है, पिज्जा वगैरह हो गया ऐसे। वो जमाना कितना अलग था ना, नानी 80 साल की होने वाली है, ये जमाना कितना अलग है। तो नानी इस जमाने में है तो उसका थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। तो चलिए मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। दोनों लोगों ने अपने आप ही कर दिया।